को तो उसे इंस्टेंटली कैसे रिड्यूस करें इन स्पाइट ऑफ डी आईपी फॉलोइंग डी आई पी डाइट स्टिल आपने टीएमटी मशीन सुना टीएमटी एमआरआई सारे फेमिलियर वर्ड्स हैं तो मैंने एक मशीन इन्वेंट किया इसका नाम भी मैंने मिलता जुलता ही रखा है आर एफ ताकि लगना चाहिए ना कोई मेडिकल्स की बात कर रहे हैं ठीक <laughs> करना मुश्किल नहीं है लेकिन ये दिखना भी चाहिए कि आप मेडिकल की बात कर रहे हैं नहीं तो जो पेशेंट है ना आप बिलीव ही नहीं करेगा राइट सो ठीक करना तो सबसे आसान काम है लेकिन लोगों को कन्विंस करना कि मैं ठीक कर सकता हूँ दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम राइट तो मैंने एक ऐसा मशीन आविष्कार किया है उसका नाम मैंने रखा है टी एम टी ई सी जी एम आर आई चलो भाई उससे मिलता जो आर एफ जे और ये मशीन की खूबी मान लीजिए मैं अपने मशीन की मार्केटिंग कर रहा हूँ मार्केटिंग एजेंट बन के और अपनी खुद ही इन्वेंशन को तो मैं कैसे मार्केट करूँगा तो मैं उसके फायदे गिना रहा हूँ आपको हाँ ये मशीन अगर आप खरीदेंगे पहला फायदा है कि इट डायलेट द ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल ब्लड वेसल को वो डायलेट कर देता है वो मशीन में बैठेंगे तो डायलेट होगा डायलेट होगा मतलब आपकी आर्टरीज खुल जाएंगी खुल जाएंगे तो ब्लड प्रेशर रिड्यूज़ होगा नंबर वन नंबर टू इट इज़ सेफ फॉर किडनी फेलियर पेशेंट जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनके लिए भी ये सेफ है राइट नंबर थ्री इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो हार्ट अटैक भी नहीं होगा ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होगा और आप दवाई से तो कंट्रोल कर नहीं रहे मशीन से कर रहे हैं राइट right? तो इट इज सेफ एंड इसमें इट ब्रिंग्स द ब्लड प्रेशर अप टू ट्वेंटी एम एम एच जी इन ट्वेंटी मिनट बीस मिनट में बीस यूनिट तक ब्लड प्रेशर घटा देगा मान लो किसी का वन एट्टी है तो बीस मिनट लगेंगे सेफ रेंज लाने के लिए ये भी कमाल की बात है उसके बाद हर हफ्ते सिर्फ आपको 20 मिनट ही उस पर बैठना है और 20 मिनट हर हफ्ते बैठेंगे और ऐसा अगर छः महीने तक करेंगे तो अल्टीमेटली यू आर एक्चुअली फ्री ऑफ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हाइपरटेंशन से फ्री हो जाएंगे क्या मैं कुछ सेल कर पा रहा हूँ कुछ लोग तैयार हो गए कस्टमर बने कि नहीं बने अच्छा कुछ तो बन गए चलो इतना पैसा खर्चा किए एक आध आदमी तो मिलना चाहिए ना आप में से पहला कस्टमर कौन बनेगा मतलब पैसा देना नहीं है यहीं आना है बस डेमो के लिए आप आइए आइए अब चाँद पे जाने वाला पहला इंसान कौन है हाँ जब भी जी दुनिया में याद करेंगे आर एफ जे का पहला पार्टिसिपेंट कौन है सर तब आपका नाम सामने आएगा तो क्या है इनका नाम अजय अजय सक्सेना अजय सक्सेना कि आर एफ जे में बैठने वाला पहला इंसान कौन है अजय सक्सेना तो आपका नाम हिस्ट्री में जाने वाला है राइट और लेकिन आरिये का मतलब तो बता दूं आपको रक्तचाप को फ्री में घटाने का जुगाड़ जुगाड़ तो लाओ जुगाड़ है यहां पे जुगाड़ लाओ फटाफट लाओ तो लेकिन है जी किसी को जुगा फॉर्म तो बताऊंगा नहीं मैं राइट सो so, बट इट वर्क्स रियली इट वर्क्स एवरी टाइम ये हम कभी कभी करते हैं जब हमारे पेशेंट आते हैं डायबिटीज ट्यूअर में और तब हम इसको यूज करते हैं और आप भी इसको यूज कीजिए फटाफट फटाफट फट 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 लाइए यहां मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं कि कैसे काम करता है और प्रैक्टिकली आपको घर पर ही करना है जुगाड़ कैसे करना है आइए प्लीज बैठिए एक, एक चीज को आप ध्यान से देखिए बिकॉज इसको आपको बनाना है क्योंकि आप मुझसे खरीदेंगे तो मैं तो महंगा ही बेचूंगा ना तो यू कैन बाई यू कैन मेक ऑफ योर ओन राइट चेयर पे बैठिए दोनों पैर को इसके अंदर रख दीजिए शूज़ अभी शूज़ पहना है लेकिन बिना शूज़ के रखना है राइट right? और uh, मतलब हाफ पैंट पहन के रखना है राइट right? ये ये, ये, ये पॉस्चर है आप इसको ध्यान देखिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे ही कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और जैसे ही डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगता है डॉक्टर को देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है राइट लेकिन इसमें थोड़ी देर की बात है ब्लड प्रेशर इसमें घटता है बढ़ेगा नहीं राइट तो देखिए इसमें क्या है कि आपने जो साइंस है मैं उसकी बात करता हूँ यहाँ पे एक टैप है राइट और हाँ वेरी गुड वेरी गुड भाई जैसा नाम है वैसे ही तो होगा आर एफ जे राइट तो साइंस को समझिए पे ये गीजर है राइट और इस गीजर में गर्म पानी है और गर्म पानी से ऑलरेडी इसमें गर्म पानी भरा हुआ है यहां तक भरा हुआ है गर्म पानी राइट और वो उतना गर्म है जितना गर्म आप सह सकते हैं राइट अब उस गर्म पानी में अपने पैड को डाला डालने के बाद आपने कंबल लपेट लिया अपने चारों तरफ और उसके बाद ये यहां पर रख दिया कि पानी जब इसमें ठंडा होने लगे आपको लग रहा है कि पानी ठंडा हो रहा है तो ये टैप आप ऑन कर देंगे तो पानी यहाँ से यहाँ इसमें टब में आएगा ना और साथ ही में यहाँ पे गीजर जो ऑलरेडी प्लग है गर्म पानी से भरा हुआ है यहाँ से आप इस नॉब को खोल देंगे कटी द पॉइंट तो गर्म पानी आ रहा है ठंडा पानी इसमें कलेक्ट हो रहा है वो दोनों कंट्रोल आपके हाथ में है ठीक है ना क्योंकि आप ही को पता है कि इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जलने लगे और इतना ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि आपको असर ही ना करे तो दैट कॉन्स्टेंटली और उस वक्त वो जो गर्मी है वो पूरे बॉडी के अंदर रहे इसीलिए सिग्निफिकेंस है कि हमने इसको कंबल से पूरा लपेट दिया लेकिन वो गर्मी जो है अगर सिर पे चली जाएगी तो सिर दर्द होने लगेगा उससे बचने के लिए हमने क्या किया इनके सिर पे यहाँ पे पानी डालेंगे तो अंदर आ, फोम होता ना हेलमेट के अंदर फोम में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो उस वो सिर को ठंडा लगे रखेगा कुल मिला आप ये कर सकते हैं एक एक तौलिया लीजिए उस गीली तौलिया ठंडे पानी में डाल के ठंडे पानी वाला गीला तौलिया उसको सिर पे रखिए राइट लेकिन दिखने में मशीन लगना चाहिए तो मैंने ये हेलमेट बना दिया <laughs> अगर तौलिया लगता तो बोलते ये क्या है मेरे पास भी तौलिया है मेरे पास भी सब कुछ है तो उसको थोड़ा सा और मैं चलो भाई इसको और रिफाइन कर दूंगा अगली बार तक डोंट वरी राइट तो अब इस सिस्टम में जब गर्म पानी पैर पड़े हैं और ऐसा अगर 20 मिनट तक बैठे रहे और ये गर्म पानी का फ्लो बना रहे और ठंडा ऊपर से करते रहें तो विद इन ट्वेंटी मिनट्स जो ब्लड प्रेशर है दैट गोज़ डाउन बाय अबाउट ट्वेंटी यूनिट्स राइट लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सप्रेशन ना यूज करके मैकेनिज़म रिलीज यूज़ हो रहा है द ब्लड वेसल्स आर डायलेटिंग डायलेटिंग समझ रहे हैं? खुल रहा है राइट right? एंड वो जब डायलेट होगा और ऐसा कुछ दिन तक करेंगे तो परमानेंट डायलेशन होगा डायलेशन होते वक्त क्या होगा कि अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं एंड द पेशेंट इज ऑल्सो ऑन डी आई पी डाइट राइट तो वो ब्लॉकेज के जो है वो धीरे 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 वो कुछ दिनों में वो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा और जो पेशेंट है जैसे अभी सर ने बताया कि एक्चुअली वो चलना तो दूर अपने घर पर लेटे रहते थे ऑक्सीजन मास्क में रहते थे और अभी आपने देखा कितना फ्रीली काम कर रहे हैं तो जब ब्लॉकेज हट जाता है ब्लड फ्लो होने लगता है तो इंसान की जो पेन है जो डिस्कम्फर्ट है जो एंजाइना है वो खत्म हो, होता है राइट सो थैंक यू सर आपने बड़ी हिम्मत की थैंक यू थैंक यू निकाल निकाल ठीक है खत्म सो so, देखिये मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बड़े ये ये जो है ये कोई को, को, मेरा इन्वेंशन नहीं है एक्चुअली लेकिन ये नेचुरोपैथी में आप तो करते ही है ना राइट ये कोई नई बात तो है नहीं तो जितना चीज मैंने आपको दिखाया चाहे इन्फेक्शन डिजीज के लिए दिखाया थैंक यू चाहे मैंने लाइफ स्टाइल लिए दिखाया ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेडिकल जर्नल्स में लिखी हैं ये सारी चीजें टेस्टेड ट्राइड हैं सिर्फ फर्क इतना है कि वो जर्नल के अंदर कहीं दबी हुई है वो आप तक नहीं पहुंची वो इसलिए क्योंकि ये कमर्शलाइज नहीं हो सकता राइट सिर्फ इसलिए लेकिन आज की तारीख में ताकत आपके हाथ में है राइट आपको किसी से पूछना नहीं है आपको ठीक लगा आप अपने सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं आपको जो चीज़ अच्छी लगी वो एक रात में ही चाहे तो इस तरह के स्टार्टिंग विथ इन्फेक्शन डिजीज का वो थ्री सिंपल स्टेप लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो आज यहाँ ये सब करने का जो बेसिक मकसद था ये उम्मीद है मुझे कि जो इतने समय में कलेक्ट किया मैंने वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना राइट सो so, मैं ये उम्मीद करता हूँ इसको लोगों तक पहुँचाएंगे